वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं पिल्ले के साथ ईद मनाए। तो ये वाला वीडियो आज हम देखने जा रहे हैं और अहमद खान पॉडकास्ट है ये। और एक्चुअली ये ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें पिल्ले भी हैं एंड ऑल्सो बरकत एंड उज्मी भाई, मतलब ये दोनों, मतलब ये तीनों का पॉडकास्ट इट इज गोइंग टू बी। और अहमद खान पॉडकास्ट मतलब इतना वायरल हो रहे हैं ना इनके वीडियोस, क्या ही बताए, सच्ची में क्या ही बताए। मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये वाला कोलैब देखने के लिए। तो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, पहले अगर मैं अपनी बात करूं ना, पहले मेरी इंग्लिश कमजोर थी, फिर मैंने इंग्लिश फिल्में देखना शुरू कर दी, अब मेरी इंग्लिश ठीक हो गई है लेकिन मेरी टांगे कमजोर हो गई है। Who is responsible for this wreck? इंग्लिश बोली ना, ये कुत्तों के आगे से गुजर जाए, कुत्ते आपस में बातें कर रहे होते। देखो यार, किसी ने हमें मारने के लिए दवाई फेंकी है। ओ भाईजान, भाईजान मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, कसम खुदा की आप बहुत झुकते मार रहे हो, ज्यादा झुकते नहीं मार रहे, खुदा की कसम, 2.5 किलो का हाथ देख रही है, ये 8 किलो का हाथ और 6 किलो का मैल भी है, ये भी बोल। और एक बात पूछा, तुम दोनों एक साथ होते हो, कोई मियां बीवी तो नहीं हो? बरकत भाई, अस्सलाम वालेकुम उस्मी भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ आप दोनों नहीं है आज प्रेम में, हमारे गेस्ट भी हैं। क्या बात है, एक जुमला बोलूंगा आप पहचान जाएंगे कौन। 3, 2, 1 वाह यार, बहुत मशहूर बच्चा है और बड़ा रहम दिल बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये बच्चा कुत्ते का बच्चा है, अगर देखे तो उसको खाना खिलाने लगता है, रोटी डालने लगता है। हमदर्दी यार पिल्ले, हम आपकी यकीन कर रहे हैं, हम दोनों आपके फैन हैं, आप दोनों के फैन हैं, पूरी वेरी ऑनेस्ट दिल से कह रहा हूं। वाह, आप दोनों को खास तौर पे आपको हम दोनों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट है। क्या कॉम्प्लीमेंट? आपको किसी ने नहीं दिया होगा, हम दे रहे हैं। वाह वाह वाह, आप नजरे बद से बचा अल्लाह आपको। आपकी कमाल बात पता है क्या है, आप फजूल बात भी बड़ी तसल्ली से करते हो। लोगों को लगे वाकई में फजूल बात। यार एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलता। ये आपको बदवा वगैरह नहीं लगती? किस चीज की? नहीं कोई भी यार, ऐसा होता ना, खुदा की कसम यार, इससे ज्यादा तगड़े तो हमारे घर के स्टोर में चूहे होते हैं। मैं एक बात बताऊं, ये अभी इसने मुझसे वादा किया है कि इसने मावा खाना छोड़ दिया। अच्छा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गालियां खाता है? हां, कौन गालियां खाता है? नहीं ऐसी ऐसी बोल रहा हूं, मोहब्बत वाली नहीं नहीं। लेकिन लोग कमेंट्स में गालियां देते हैं ना, तो वो मतलब आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा पहले लगता था, अब नहीं लगता, अब तो ढेरों सारी गालियां आती हैं। आपको पता है इसकी मार्केट में किताब आई हुई है, मैंने किताब पढ़ी, इसके बहुत सारी मैं इसके बारे में बातें पता करके आया हूँ। क्या नाम है इसकी किताब का? नाम है 1.5 पसली। पढ़ी इसकी किताब, इसने 5 साल एयरपोर्ट पे काम किया है एज अ डस्टबिन। यार बात सुनो भाईजान, मैं एक इलाके का शेर हूँ, पता है? वो शेर है जो कोने में बैठ के रो रहा होता है, मुझे बड़े थप्पड़ मारा, तो वो शेर नहीं यार, कसम से यार, आपने कभी किसी जानवर को रोटी खिलाई है या हमेशा उनसे छीन के ही खाई है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है? बहुत है, बहुत है, सब कोमा में? कोमा में नहीं, हकीकत में भाई, क्या हो गया? अच्छा, दुनिया मरती है यार। गर्लफ्रेंड से मुझे याद है, पिल्ले मोहब्बत करते वक्त क्या चीज देखता है तू? नहीं ये देखने के लिए तो मोहब्बत करता है। ये क्या चीज, क्या चीज देखता है मोहब्बत करते वक्त? मोहब्बत करते वक्त मैं देखता हूँ मम्मी, बताया उसकी लड़की की अम्मी, मम्मी 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 मम्मी। अच्छा मम्मी को देखो यार, बहुत अच्छे भाई। मम्मी क्यों देख रहा है भाई, लड़की देख डायरेक्ट? नहीं असल में मम्मी इसीलिए, क्योंकि मम्मी अच्छी होगी ना तो पता चलेगा ना लड़की कैसी है, लड़की का इख्लाक कैसा, सब कुछ वहीं से पता चलेगा। अच्छा, 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 चाक पे ले आए ना, कराची की तो आम लैंग्वेज है। इसने बात सही की है, इसने बात सही की है कि अगर लड़की अच्छी होगी तो इख्लाक अच्छा होगा। मैं कवर भी तो कर दूं भाई, मसला ये इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा भाई आपस में लेन देन नहीं होती। अच्छा इसको कुत्ते ने काटा, अब यकीन करो कुत्ता 1 हफ्ते तक दांत ब्रश करता रहा। अच्छा हम लोग कुत्ते को देखकर पत्थर उठा रहे, ये कुत्तों के आगे से गुजर जाए, कुत्ते आपस में बातें कर रहे होते। देखो यार, किसी ने हमें मारने के लिए दवाई फेंकी है। भाईजान मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, कसम खुदा की आप बहुत झुकते मार रहे हो,
ज्यादा झुकते नहीं मारो, ये खुदा की कसम 2.5 किलो का हाथ देख रही है, ये 8 किलो का हाथ और 6 किलो का मैल भी है, ये भी बोल रहा है। पुलिस वाले सिर्फ इसी वजह से इसकी तलाशी नहीं लेते, इसकी तलाशी लेंगे मैल ही निकलेगा। आप पूरा वजन बता रहे हैं 2.5 किलो से बात कर, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं पिल्ले साहब, खुदा की कसम। ये कौन सी इज्जत कर रहे हो? ये इज्जत, ये इज्जत, ये जलील कर रहे हो? नहीं 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 यार, आप यार गलत समझ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपकी खुदा की कसम, टू बी ऑनेस्ट, आपसे बड़ा हमारे लिए आपकी अहमियत ऐसी है जैसे खाने की टेबल पर बिरयानी के साथ टिंडी की डिश होती है। आपको वाह वाह वाह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या चीज हो, क्या चीज हो, आप 2 मिनट बाद खुदकुशी कर लो या मुल्क छोड़ के चले जाओगे बाहर, अगर आपको अपने अहमियत का अंदाजा हो जाए, आप कहीं आप एथियोपिया शिफ्ट हो जाओगे। सेहतमंद आदमी है हमारे मोहल्ले में, आप जैसा एक बंदा रहता है आपसे भी ज्यादा कमजोर है। अच्छा, और वो लोग तकरीबन 7 भाई हैं, और वो सारे के सारे भाई जब सोने लगते ना, उनकी अम्मी सबको इकट्ठा करके रबर बैंड चढ़ा देती है। मजाक नहीं, आप तो फिर भी सेहतमंद आदमी है। अच्छा एक बात बताओ, बरकत भाई ज्यादा नहीं बोल रहा है, मैंने बोला मैं थोड़ा भाई है यार, भाई है यार। आप मैं एक बात बताऊं, टीवी पे लोग ना बरकत भाई 30-30 साल से काम कर रहे हैं, उनको कोई पहचानते नहीं है रोडों पे। ये भाई बात है, भाई बात है यार, इसको नाम से पहचानते हैं। वाह वाह वाह, जैसे इन दोनों को कोई नहीं जानता। हां, मेरी पहली बार देख रहा हूं ना इनको, हम आपके साथ बैठे हैं ताकि लोग जान जाए। जान जाए, हां मशहूर हो जाओगे ना इंशाल्लाह, सब हो जाओगे। अच्छा, ऐसे आदमी को अभी ऐसे आदमी को जहाज में सीट थोड़ी देता है, फिर तय करके ऊपर रख देता है। और ये वो वाहिद आदमी जिसकी पायलट भी तलाशी ले रहा होता है, पायलट के बाद स्टीवर्ड तलाशी लेता है, स्टीवर्ड के बाद आखिर में पैसेंजर तलाशी लेता है, और उसको जहाज में सीट भी वॉशरूम के पास वाली ही मिलती है। क्यों ऐसा है? गलत बात नहीं करो यार, कसम खुदा की, मैं आपको बताऊं भाई, बड़े माशाल्लाह ये लोग करंट चल रहे हैं, और ये जो दूसरा तनवीर है ना, इसका अपना एक मखसूस अंदाज है, ये शर्ट फाड़ता, मतलब वीडियोस बनाता है, फाड़ता मैं भी, लेकिन वो शर्ट नहीं होती, वो टी शर्ट होती है, फाड़ देते हैं, ये इसका डायलॉग है, और शर्टे फाड़ता है। अच्छा, लैंडलॉर्ड आदमी है, कितने की शर्ट फाड़ता है? 15,000 की एक शर्ट। किसी ने अपना मुंह भी फाड़ दिया, आगे पीछे से फाड़ता हूँ। अच्छा, आप लोगों को पता है बेहतियाती से फाड़ी जाने वाली चीजों में शॉपर आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पर कागज, कागज की थैली जो होती थी पहले, हवा भर के फाड़ते थे ना। अच्छा, पर्सनैलिटी ना, अगर आप पाकिस्तानी पुरानी फिल्में देखो ना, तो उसमें इस तरह का बाप होता था, रात के 3 बज रहे हैं और अभी तक शबाना नहीं आई। छोटा था कि आज भी नहीं आई, आज भी नहीं शबाना, इन्फॉर्मर होते थे, आगे बताते थे माल पहुंचने वाला काले पुल के नीचे। ये अंधेरे में नहीं कटवाए, बड़ी महंगी जगह से नहीं, ये ब्रांड से बाल कटवाते हैं, लोकल जगह नहीं। अच्छा, और क्या नाम है पिल्ले, जहाँ से तू बाल कटवाते हैं, ब्रांडेड? ये कैंची से बाल नहीं कटते, माली वाली कैंची से बाल कटते हैं। किससे कटते? माली वाली। दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं ब्रांड से कटवाता हूँ, ब्रांड मेरे ये बाल काटते, समझ गए? चार बंदे बाल काटते मेरे, चार बंदे तुझे कंधा भी देंगे वही तू देखना। अच्छा, एक होता है ग्रेसफुल, ये ग्रीसफुल, ग्रीसफुल। अच्छा, ये एक साल, ये एक साल व्हाइट हाउस में रहा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? आपके बाप बताओ, वंस अपॉन अ टाइम ये एक दफा असरात वाले कमरे में गया, वहां के सारे जिन बाबा के पास चले गए, बाबा से कह रहे बाबा हमारे कमरे में असरात है, ऐसा हुआ था? एक दफा इस पर जिन चढ़ गया, वो जिन अपने से बड़े जिन को फोन करके कह रहा है मुझे यहाँ से बुला लो, जब लाइट जाती है तो बहुत डर लगता है, ऐसा हुआ था? आपके बाकी कभी हुआ कोई, देखिए नजर लगती है ना, तो कभी जिन बिन चढ़ा या चुड़ैल वगैरह कुछ चढ़ी हो या आपने कुछ चढ़ा लिया? तनवीर, ऐसा कोई वाकया, कोई तुझे डर लगा हो घर में तो शेयर कर हमसे। नहीं, कोई डर नहीं लगा, कोई नहीं डर लगा, कभी डर लगा? हमेशा घर वालों को लगता है, साथ ही रहते हैं यार, साथ ही रहते हैं आप दोनों, साथ ही रहते हैं यार। ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं। पहले इनको अपना फेम बता, अपना फेम बता इनको, फॉलोवर पता कितने हैं? फॉलोवर हमारे है 1.7 मिलियन। हमारे 1.7 के भी नहीं है। नहीं, सारे फॉलोवर है आपके? सारे फॉलोवर करते हैं, ये फॉलो करते पूरी जगह तक, पूरी जगह, पूरी जगह, पूरी जगह है आपके। लड़कियां मरती हैं, लड़कियां? अच्छा, लड़कियां मरती है मेरे पे, यकीन करो, लड़की अभी 3 दिन पहले की बात है, जब नहाओगे तो लड़कियां मरेंगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मैं रोज नहाता हूं, छोटी बात नहीं कर, आप यकीन करो, रोज नहाता है। अच्छा, मिट्टी के तेल से इसकी सफाई होती है। अच्छा, क्या बोल रहे हो? मैं बोलता हूँ 3 दिन पहले मेरे को एक लड़की ने आंख मारी है। अच्छा, अगर तुझे कोई लड़की आंख मारे ना, उसकी 3 वजह हो सकती है, या उसकी आंखें खराब है, या उसका दिमाग खराब है, या वो खुद खराब है। ये तीसरी वाली लड़की है, या खाना खराब है, खाना खराब है, या बेटा खराब है। लेकिन मैं फिर ताली बजाऊंगा
कि यार माशाल्लाह जो इन्होंने अभी स्क्रोलिंग में ये लोग नजर आ रहे हैं उसमें भाई आपको पता है कितना बड़ा काम है स्क्रोलिंग में रहना। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है टैपिंग। और सच्ची बात है कि ये बुरा भी नहीं मानता, इसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई हमारा। अच्छा ये बात बताओ, कोई शादी वादी का सोचा है, कोई ऐसी लड़की बताओ किससे करना चाहते हो ताकि हम उससे उसको जाके मार दे, क्योंकि खुदकुशी हराम है अगर वो खुदकुशी करे। शादी का इरादा है, आइडियल बताओ अपना, आइडियल लड़की कैसे, आइडियल आइडियल कैसे लड़की चाहिए, क्या आइडियल है लड़की का, लड़की लेकिन साथ रहता, मैं जब भी तुझसे भी पूछ रहा हूँ इसे पसंद क्यों है, इसकी शादी भी होने वाली है। शादी? अच्छा ऐसा आदमी को जो ना सेहरा बांधने से पहले अच्छी तरह नहला के थोड़ी देर तवे पे तलते भी हैं, और ऐसा आदमी जो ना निकाह के टाइम पे बेहोश हो जाता है, निकाह खुआ पानी के छींटे मारकर पूछ रहा होता है आप उठ लो या मैं कर लूं। अच्छा ऐसे आदमी की मंगेतर जो है ना, ऐसे आदमी की मंगेतर अक्सर लोगों से ये कह रही होती है, ये मेरे होने वाले शौहर हैं, अगर उस वक्त तक जिंदा बचे तो। अच्छा भगत भाई आप ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा सॉरी मतलब ये मैं फाड़ देता हूं। नहीं हां ज्यादा बोल रहे हो, फाड़ने के बाद ही तो यार और ऐसे नहीं आपकी भी हम लोग फाड़ दे। ठीक है अब इसके बाद देखेंगे हम, लेकिन सच में बोलूं यार इतना ज्यादा बरकत और उसमें भाई उन दोनों को बोल रहे हैं लेकिन वो दोनों चुप है क्योंकि पता है यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन ज्यादा बात करता है, किसके दिमाग में ज्यादा थॉट्स आ रही है वो पहले बोल रहा है, तो दोनों इतने ज्यादा स्लो है, टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं 15 सेकंड में खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए बात करना नहीं आ रहा है। दैट इज वॉट वेयर यू सी द टैलेंट इन पीपल राइट। तो अगर क्या बोले अगर कोई टिकटॉकर यहाँ पे जैसे दिखाया गया है ना उनको बात करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता क्योंकि एवरी टाइम वो लिपसिंग करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं राइट, यू कैन सी द डिफरेंस इन हियर। लेकिन यहाँ पे जब पिलर ने बोला ना कि लड़कियां मेरे पे मरती है और उसमें भाई ने बोला तो तीन दिन नहीं नहाओगे तो मरेंगी ना, उन दोनों की जोड़ी बरकत और उसमें आए हाय बेस्ट एवर थिंग आई हैव बीन सीन ऑन द अर्थ, ऐसे वाला जोड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम जब मीम्स में देखा है वो लाइक क्या ही बढ़िया जोड़ी होंगे, कभी भी बरकत गलत करता तो उसमें इज लाइक रेडी टू कवर इट अप, ऐसा जोड़ी होने चाहिए, ऐसा बेस्ट फ्रेंडशिप होना चाहिए। हाँ सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कॉमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।